गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल और आज का वीडियो इज गोइंग टू तो बी रियली इंटरेस्टिंग और ना मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज की वीडियो के लिए बिकॉज दिस इज अ मिंत्रा हॉल आप लोगों को पता है ये गाइज की ना सावन स्टार्ट हो गया है और सावन के साथ में ना बहुत सारे फेस्टिवल्स स्टार्ट हो गए हैं सो आई डू हैव समिकमेंडेशन मैंने यहाँ पे फाइव कुर्ता सेट्स आपको दिखाऊंगी इन दिस हॉल और सबसे अच्छी बात ये गाइज की सारे ही कुर्ता सेट्स ना सुपर सुपर ट्रेंडिंग हैं सुपर स्टाइलिश हैं एंड द बेस्ट पार्ट इस ये ना सुपर 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 अफोर्डेबल है सारे ही कुर्ता सेट्स ना गाइज टू

का परेज किया था और ये ना बहुत ही ज्यादा अफोर्टेबल है बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है इसको ना मैंने शो किया था अपने पुराने वाला जो हॉल वीडियो बनाया था ना उसमें शो किया था अगर आपने वो हॉल वीडियो नहीं देखा है ना तो जाके देख लेना लिंक जो है ना मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं सो so, इसी के साथ भी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के साथ में सो लेट्स गेट स्टार्ट तो so गाइश बात करते हैं इस हॉल के पहले कुर्ता सेट के लिए तो जो पहला कुर्ता सेट है इज़ फ्रॉम द ब्रांड गेरुआ एंड इट इज़ अ फ्लोरल प्रिंटेड गोटा पट्टी कफ्तान कुर्ती विद प्लाजो जो मैंने साइज एम में लिया था और जो प्राइस मैंने इसका पे किया था ना सिक्स फिफ्टी वन रुपीज़ एंड लैकमी शो यू द कुर्ता सेट गाइस दिस इज़ जस्ट अमेजिंग इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल सा यह कुर्ता सेट ना एंड दिस इज़ माई फेवरेट फ्रॉम दिस हॉल सो दिस इज़ बेसिकली इन अ कफ्तान स्टाइल सो दिस इज़ द कुर्ता मैंने पहले प्लाजो उठा लिया था सो दिस इज द कुर्ता एंड लुक एट द कलर इतना ज्यादा ब्यूटीफुल कलर है जो गाय अब ब्राउन कलर होता है ना न्यूड शेड ऑफ ब्राउन जो होता है ये न्यूड शेड ऑफ ब्राउन है ना कुछ ऑरेंज कलर का भी हिंट दिया हुआ है एंड इसके ऊपर ना कुछ व्हाइट कलर के फ्लावर्स भी प्रिंट हो रहे हैं और ये ना बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है इसका जो प्रिंट है ना ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है अगर इसके नेकलाइन की बात करें तो इसका ये वी नेकलाइन दिया हुआ है और यहाँ पे ना थोड़ा सा बहुत ही ना मिनिमल सा एक गोटापट्टी का वर्क हो रहा है सेम गोटापट्टी का वर्क इस पूरे इस तरह से जो कप्तान का जो बाहर वाला एरिया यहाँ पे हो रहा है एंड कंप्लीट पे ना इस तरह से ही कफ्तान पूरे ही कफ्तान पे ना मतलब इस तरह का एक गोटा पट्टी का वर्क दिया हुआ है और यहाँ पे ना अगर आप देख पाओ ना ऑन द कैमरा तो ना इस तरह की ना ये लाइनिंग्स दी हुई सिल्वर कलर तो जो कलर का इस पर पट्टी लगाया हुआ है ना सेम ही कलर में इस तरह से ना ये थ्रेड लाइक डिजाइन दिया हुआ है एंड दिस इज हाउ इट लुक इतना ज्यादा ब्यूटीफुल है इसका जो कपड़ा है ना बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है और पहनने के बाद में ना ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था इसकी जो हाइट मुझे आ रही थी ना ये भी काफी ज्यादा ठीक ठाक सी आ रही थी और मटेरियल क्वालिटी इज रियली रियली सॉफ्ट इसको पहन के ना मैं कंप्लीट डे रह सकती हूँ मतलब नॉर्मली क्या होता है ना रक्षाबंधन पे मुझे अपने घर जाना ये मैंने बेसिकली रक्षाबंधन के लिए ही परचेस किया है सो रक्षाबंधन पर नॉर्मली क्या होता है ना मैं अपने घर जाती हूँ और सेम डे ही वापस मुझे आना होता है बिकॉज नेक्स्ट डे मेरा ऑफिस होता है मतलब मैं अपने स्टे

के बाद मैंने काफी ज़्यादा डिफरेंट लग रहा था जिसकी वजह से सबसे अच्छी बात की कुर्ता सेट से ज्यादा रहा था जिसकी वजह तो से अपनी व्हाइट शर्ट के साथ में टॉप के साथ में पहन सकती हूं उसके साथ में मैच ऑन कर जाए और इस कुर्ता को अपनी जींस के साथ में या किसी भी इस तरह के बॉटम के साथ में पहन सकती हूँ जैसे व्हाइट बॉटम के साथ में पहन सकती इसके लुक को एनहेंस करने के लिए थिंक ना कि बहुत सारे तरीके से मैं स्टाइल कर सकती हूँ बहुत सारे तरीके से पहन सकती हूँ जब भी मैं कोई कपड़ा परचेस कर रही होती हूँ ना गाइस सबसे पहले जो मेरे दिमाग में चल रहा होता है ना बस यही चल रहा होता है कि ना मैं इसको ऐसे स्टाइल कर लूंगी ऐसे स्टाइल कर लूँगी इस तरीके से पहन सकती हूँ मतलब बहुत सारी टाइप्स है ना मैं उस चीज़ को सोच रही होती हूँ कि कैसे कैसे इसको पहन सकते हैं बिकॉज ऑब्वियसली कपड़े तो हमें रिपीट करने ही होते हैं नो no क्वेश्चन मतलब इस चीज़ के ऊपर कोई क्वेश्चन ही क्वेश्चन ही नहीं है बट येस yes, अगर हम उसको अलग अलग टाइप से स्टाइल कर ले तो वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है मतलब उसका ना स्टाइल काफी ज़्यादा एनहेंस हो जाता है सो आई कैन स्टाइल दिस कुर्ता सेट इन मैनी वेज और जिसका कलर है ना बहुत ही ज़्यादा ऐसा न्यूडिश वाला जो कलर होता है अच्छा मैंने

एक्साइटेड फॉर दैट सो यामिंग अप टू द नेक्स्ट कुर्ता सेट फॉर दिस हॉल तो जो अगला कुर्ता सेट है ब्रांड अनूक जिसका नाम है वुमन मल्टी कलर बांधनी प्रिंटेड प्योर कॉटन कुर्ता विथ प्लाजो जो मैंने साइज एस में परचेज किया था और जो प्राइस मैंने इसका पे किया था सेवन सिक्सटी नाइन रुपीज एंड लुक एट द कुर्ता सेट मतलब अगर सावन की बात करें ना और अगर बांधनी प्रिंट नहीं हो तो आई थिंक ही नार बाधनी प्रिंट के बिना तो सावन होता ही नहीं है सो दिस इज अ कुर्ता सेट इन बांधनी प्रिंट एंड इट इज जस्ट जस्ट अमेजिंग बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल कुर्ता सेट है दिस इज ऑल्सो इन अ कॉर्ड स्टाइल जो कॉर्ड स्टाइल होते हैं ना वैसा ही है सो द बेस्ट थिंग इज इट इज अ कुर्ता सेट हम इसको कॉर्ड्स जो होते हैं ना कॉर्ड सेट्स उसकी तरह भी पहन सकते हैं एंड लुक एट द कुर्ता दिस इज द कुर्ता एंड दिस इज हाउ इट लुक इसका जो प्रिंट है ना इज जस्ट जस्ट अमेजिंग बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है एंड द बेस्ट पार्ट इज की ना ये हंड्रेड हंड्रेड परसेंट कॉटन है एकदम हंड्रेड परसेंट कॉटन है बिल्कुल भी ना इसमें गर्मी लगने वाली तो भी बिल्कुल भी नहीं है और इसका जो मटेरियल है ना सो नाइस so nice. मतलब कॉटन में भी जो अच्छा वाला मटेरियल होता है ना वैसा वाला इसका मटेरियल है और इसका नेक लाइन ना कुछ इस तरह का है यहाँ मतलब इस कलर का जो प्रिंट हो, तो हो रहा है ना वाइट वाली कल वाइट नहीं है बेसिकली ना ऑफ वाइट है तो ऑफ वाइट कलर का जो प्रिंट हो रहा है ना सेम उसी प्रिंट से ना यहाँ पे गले पे इस तरह का ना डिटेलिंग दिया हुआ है एंड दिस आर द स्ट्रैप्स को ना हम एडजस्ट भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू हाइट साइज ना मैंने इसमें एस परचेज किया था बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि ना एम बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाए मेरा जो बस साइज है ना गाइस थर्टी सिक्स है और थर्टी सिक्स में ना मैंने इसको एस साइज में परचेज किया था और एस में बिना ही मुझे काफ़ी अच्छे से फिट हो रहा था मतलब बिल्कुल बिना ऐसे लूज नहीं हो रहा था एंड नीचे से ना ये कुछ इस तरह का है इसको आई डोंट नो क्या कहते हैं बट इसका जो स्टाइल है ना ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करता है इस तरह के जो कुर्ता सेट्स होते हैं ना इसमें पिक्चर्स ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे आते हैं जो वीडियोज मैंने लगाए ना इसमें इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो कुर्ता सेट है ना पहनने के बाद में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसका जो ओवरऑल कलर है जो मल्टी कलर है इसका इतना ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है और इस तरह के जो कुर्ता सेट्स होते हैं ना के जो कलर्स होते हैं बेसिकली जो बांधनी प्रिंट्स होते हैं इसमें ना पिक्चर्स बहुत आते। और प्रिंट तो कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा ही अच्छे लगते हैं मतलब इट इज नॉट मैंडेटरी कि आप उनको ना सावन के महीने में ही पहन रहे आप इस तरह के बांधनी प्रिंट्स को ना कहीं पर भी पहन सकते किसी भी सीजन में पहन सकते किसी भी घर में कोई छोटी सी पूजा है तो उसमें पहन लो या फिर आपके घर में कोई फंक्शन हो रहा है उसमें पहन लो मेहंदी है उसमें पहन लो अगर हल्दी हो रही है उसमें पहन लो मतलब बांधनी प्रिंट इज समथिंग कि आप उसको कहीं पे भी पहन लो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा और ये वाला कुर्ता सेट तो बहुत ही ज्यादा ना ट्रेंडी लग रहा था इसका जो ओवरऑल लुक है ना उस ओवरऑल लुक की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडी लग रहा था ये इसका ना इस प्लाजो है जिसमें पीछे की तरफ प्लास्टिक दिया हुआ है तो ये सेमी इलास्टिकेटेड है एंड दिस इज हाउ इट लुक इसका जो प्रिंट है ना एग्जैक्टली exactly सेम है विद द कुर्ता एकदम कुर्ते जैसा और ना इसको एज अ कॉर्ड सेट भी पहना जा सकता है मतलब मुझे तो उसको पहन के ना कुर्ता सेट ये कम लग रहा था मुझे तो उसको कॉर्ड सेट वाला जो फीलिंग आता है ना वो ज्यादा रहा था तो एक बार जिस प्लानिंग की इसको ना अपनी वाइट शर्ट के साथ में वाइट टी शर्ट के साथ में वाइट जो क्रॉप टॉप होता है ना उसके साथ में और भी इसमें ऐसे बहुत सारे कलर्स हैं जो बाकी सारे कलर्स को भी कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो उनके साथ में हम इसको पहन सकते हैं और साथ में ये वाला जो कुर्ता है ना इसको अपनी जींस के साथ में जो ब्लू जीन्स होती है ना उसके साथ में पहन सकते हैं उसके साथ में भी ना ये बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा ना एम श्योर अबाउट इट बहुत ही ज्यादा ना मज़ा आ जाने वाला है एंड जो मटेरियल क्वालिटी

कलर आई जिस लव द फिटिंग आई जिस लव दाइल है ना ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है एंड दिस इज हाउ इट लुक्स जस्ट एन अमेजिंग सा पीस गाइस यू हैव टू बाई दिस इसमें ना एक और कलर ऑप्शन अवेलेबल था अगर आपको ये वाला कलर नहीं लेना एक और कलर ऑप्शन अवेलेबल है मैं उसका भी लिंक ना इफ पॉसिबल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी वहां से आप चेकआउट कर लीजिएगा एंड नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट कुर्ता सेट फॉर दिस हॉल तो जो अगला कुर्ता सेट है ब्रांड अनूक जो है वुमन डार्क ग्रीन एम्ब्रॉड्रेड प्लीटेड मिरा वर्क कुर्ता विथ शरारा जो मैंने साइज़ एम में लिया था और जो प्राइस मैंने इसका पे किया था गाई सिक्स फोर्टी नाइन रुपीज़ मैंने इसका पे किया था एंड लुक एट द कुर्ता सेट दिस इज इन ग्रीन कलर एंड एंड अगर आप लोग मुझे देखते हो ना गाइस तो आपको पता पस पता होगा मतलब कि ना ये वाला कलर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है दिस इज़ अ डार्क ग्रीन कलर मुझे ऐसा लगता है जो डार्क ग्रीन कलर है ना मुझे अपने आप ही अपनी तरफ अट्रैक कर लेता है दिस इज अगेन इन डार्क ग्रीन कलर एंड लुक एट द मटीरियल जो सिल्क ब्लैंड वाला मटीरियल होता है इसमें शाइन होता है ये शाइनी मटीरियल है सिल्क ब्लैंड वाला मटीरियल है और इसमें ना कंप्लीट ही कुर्ते में इस तरह से कंप्लीट कुर्ते में ना इस तरह का ये एम्ब्रॉयडरी हो रहा है दिस इज अ अम्ब्रॉयड्री एंड लेट मी शो यू ये ना एम्ब्रॉयडरी हो रहा है और इसमें ना इस तरह का ये मिरर वर्क है मतलब इसको ना ये मिरर वर्क कह रहे हैं एंड दिस इज हाउ इट लुक्स कंप्लीट कुर्ते पे ना इस तरह का ये छोटे 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 मिरर वर्क हो रहा है और एम्ब्रॉयडरी हो रहा है जिसकी वजह से ना ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था मतलब पहनने के बाद में भी ना ये काफी ज़्यादा कंफर्टेबल हो रहा था तो उसका जो डिज़ाइन है नागाज वो सिर्फ आगे की तरफ है लाइक पीछे की तरफ ना एकदम प्लेन है और आगे की तरफ इसमें ये डिज़ाइन दिया हुआ है अगर नेकलाइन की बात करें तो उसका जो नेकलाइन है ना ये राउंड शेप है कट स्लीव्स है एंड एंड दिस इज हाउ इट लुक्स इसका जो मटेरियल है ना इट्स रियली नाइस आई होप कि ना कैमरे में आप देख पाओ कि इसका जो मटेरियल है ना ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और ग्रीन कलर होने की वजह से ना इसको अपने किसी भी दुपट्टा के साथ में कैरी कर सकते हैं अगर आपके पास कोई बांधनी प्रिंट का दुपट्टा है ना तो बांधनी प्रिंट का दुपट्टा ले लो या फिर आपके पास कोई गोल्डन दुपट्टा है ना तो गोल्डन दुपट्टा ले लो रेड कलर का दुपट्टा हो येलो कलर का दुपट्टा हो बहुत सारे मतलब मुझे ये कलर ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है जस्ट बिकॉज की ना इससे बहुत सारे तरीके से ना स्टाइल कर सकते हैं एंड सेकेंडली दिस इज दैट शरारा तो उसके साथ में ना शरारा

सेम वही वाला मटेरियल है जो जो सिल्क ब्लैंड वाला मटेरियल होता है ना और इसमें थोड़ा 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 थो ना शाइन भी अवेलेबल है इफ़ यू गाइस कैन सी ऑन कैमरा और नीचे की तरफ इस शरारा में ना इस तरह की वापस वही एम्ब्रॉयडरी और मिरर वर्क हो रहा है जो कुर्ते पे हो रहा है ना एक्जैक्टली exactly वैसा ही एम्ब्रॉयडरी और मिरर वर्क हो रहा है और कंप्लीट ही शरारे पे हो रहा है आगे की तरफ पीछे की तरफ इसमें कोई भी वर्क नहीं है सिर्फ आगे की तरफ हो रहा है और ना ही पीछे की तरफ कुर्ते में कोई ऐसा वर्क है सिर्फ आगे की तरफ ही ये वर्क है और ये ना पहनने के बाद में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था इसका जो कलर है ना बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा था स्टाइल जो है इसका एक शरारा स्टाइल स्टाइल है जिसकी वजह से ना काफी ज्यादा ट्रेंडी हो रहा था मतलब एकदम ना सारे ही जो सूट मैंने परेस किए ना सबका ही जो स्टाइल है वो एकदम डिफरेंट रखने की कोशिश की ताकि आप लोगों ने वैरायटी मिल पाए ना आप अपने जो क्रीम कलर का दुपट्टा होता है ना क्रीम कलर के दुपट्टे के साथ में ले लीजिएगा अगर आपको दुपट्टा लेना मतलब बहुत सारे ऐसे होते हैं ना हम लोग एथनिक एथनिक को ज़्यादा बनाने के लिए उसको दुपट्टा के साथ ही कैरी करना पसंद करते हैं तो उसको ना अपने गोल्डन कलर के दुपट्टे के साथ में रेड के साथ में येलो के साथ में क्रीम कलर के साथ में तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा आई एम श्योर अबाउट इट एंड या दिस इज हाउ दिस कुर्ता सेट अब हैं इस हॉल के

color and in blue color. सारा का सारा जो ध्यान जा रहा था ना वो इस एम्ब्रॉयडरी पे ही जा रहा था और इस कुर्ता सेट को से, से एम्ब्रॉयडरी की वजह से बहुत ही ज़्यादा ना इस अपग्रेड सा लुक लग रहा था बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था अगर इसकी बात करें पेंट की गाइस की तो इसका जो पैंट है ना इज़ अ स्मार्ट पैंट जो कि ना फुली इलास्टिकेटेड है मतलब अभी तक मैंने आपको जितने भी कुर्ता सेट के पैंट दिखाए हैं ना वो सारे ही सेमी इलास्टिकेटेड थे तो दिस इज़ फुली इलास्टिकेटेड मतलब कंप्लीट इलास्टिकेटेड है एंड दिस इज अ स्मार्ट पैंट और इस तरह का ये पेंट है बहुत ही ना सिंपल से एकदम एकदम सिंपल वाले जो पेंट होते हैं ना बहुत ही ज्यादा सिंपल सा ये पेंट है और जो मटेरियल है इसका इज एक्जैक्टली

शिफन वाला जो मटेरियल होता है शिफोन वाला मटीरियल काफी सॉफ्ट मटेरियल है इसका एंड द सेम कलर जो कलर इसका कुर्ते का है ना मतलब दुपट्टे का मतलब सूट का जो कलर है बेसिकली सेम उसी कलर में ये दुपट्टा दिया हुआ पे है दुपट्टे पर कोई बॉर्डर वगैरह मतलब एकदम सिंपल सा दुपट्टा होता है ना एकदम सिंपल सा ये दुपट्टा है मटेरियल क्वालिटी इज रेड इज नाउ कमिंग अप टू द लास्ट कुर्ता सेट फॉर दिस हॉल दिस इज द लास्ट कुर्ता सेट और मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ऐसे बोलने मैंने कहा ये लास्ट कुर्ता सेट है और अब हॉल ना खत्म होने वाला है आई रियली डोंट वॉन्ट कि हॉल खत्म हो बट करना पड़ेगा सो दिस इज द लास्ट कुर्ता सेट और इसका नाम है दिस इज फ्रॉम द ब्रांड कालिनी और इसका नाम है गाइज वुमन वाइट प्योर कॉटन जो मैट्रिक वुवन वुवन डिजाइन कुर्ता विथ ट्राउजर साइज मैंने इसमें एम परचेज किया था एंड जो प्राइस मैंने इसका पे किया था इज फाइव एट्टी सिक्स रुपीज यस गाइज जस्ट फाइव एट्टी सिक्स रुपीज़ एंड दिस इज अ प्योर कॉटन प्योर हंड्रेड परसेंट कॉटन वाले जो कुर्ता सेट होते ना ये हंड्रेड परसेंट कॉटन वाला कुर्ता सेट है एंड दिस इज हाउ दिस कुर्ता सेट लुक्स यस इन दिस वुवन डिजाइन इस तरह के डिजाइन ना आपने पहले देखा

लुक्स इसकी जो हाइट मुझे आ रही थी ना ये भी काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक आई थी मतलब जैसी हाइट के कुर्ता मुझे पहनना पसंद है ना एक्जैक्टली exactly ये वैसा ही आ रहा था मटीरियल इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा जो होता है ना एकदम सॉफ्ट वाला जो कॉटन होता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा इसका मटीरियल है एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे ना तो इट डू हैव सम टेक्स्चर्ड टाइप का जो प्रिंट होता है ना वैसा वाला भी इसमें प्रिंट अवेलेबल है आई डोंट नो कि कैमरा पे ना ये चीज़ दिखाई दे रही है यानी बट इट डू हैव अ टेक्स्चर्ड प्रिंट और ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा लग रहा था लाइनिंग वगैरह इसमें कुछ भी अवेलेबल नहीं है और दो लाइनिंग की

कॉम्प्लीमेंटिंग मतलब एक दूसरे को इतनी ज्यादा अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है और पहनने के बाद ना ये काफी ज़्यादा अच्छा लग रहा था इसमें ना एक और कलर ऑप्शन अवेलेबल था दैट वॉज येलो मतलब इसमें ना बहुत सारे थे एक बेज कलर में भी था बेज कलर भी मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था ना इसमें येलो कलर था तो आप इसको और ज्यादा ओकेशन वियर बनाना चाहते हैं तो आप इसको येलो कलर में परचेज कर सकते हैं मुझे ना यलर में तो व्हाइट कलर में ज्यादा अच्छा लग रहा था तो मैंने व्हाइट कलर में परचेज कर लिया बट येस यू आई कैन गो फॉर द येलो कलर वो ना कुछ और ज़्यादा ओकेशन वियर हो जाएगा उसके साथ में ना रेड कलर का दुपट्टा भी बहुत अच्छा लगेगा एंड या दैट्स ऑल फॉर today's video. वीडियो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा जो कुर्ता सेट मैंने आपको दिखाया है ना इन से कोई ना कोई कुर्ता सेट आपको जरूर पसंद आया होगा आपको जो कुर्ता सेट पसंद आया ना तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना सो दैट कि मुझे पता लगेगा आपको किस तरह के कुर्ता सेट्स पसंद है और उसी तरह के ना और डिजाइन या और स्टाइल्स में लेकर आ पाऊंगी एंड इसी के साथ में गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में नेक्स्ट रिव्यूज के साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो डू सब्सक्राइब द चैनल गाइज और उस बेलाइकन को भी हिट कर देना सो देट की आपको नेक्स्ट वीडियोज का नोटिफिकेशन आ जाएगा एंड मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियोज में सो टिल देन ख्याल रखो टेक किया बाय